आप एक नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, बरसों तक समाजवादी आंदोलन में न रहे कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि संभलो, अभी भी आप संभलिए, प्लीज प्लीज, अभी भी आप संभलिए। आप बजट को क्या समझते हो? आप असीर रहिए। मैं वीरप्पा मोइली साहब नहीं हूँ, वीरप्पा मोइली साहब आंकड़े बता रहे थे, मैं उन आंकड़ों का जवाब दे रहा हूँ। क्या आपने इतने दिन ये आंकड़े अब हमको पढ़ा रहे हैं? आपने क्या आंकड़े पढ़े थे? आपने आंकड़े पढ़े? 1951 में किसान थे 71.9%, 211 आपका राज घट के हो गए 45.10%, 26.08% किसान गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? कहीं नहीं गायब हुए। खेतिहर मजदूर थे 28.1%, और वो घट करके हो गए 17.5%, वो बढ़ गए 26.08%। अध्यक्ष महोदय, जितना किसान घमा उतना खेतिहर मजदूर बनाया, ये आंकड़े नहीं है क्या? ये सच है कि नहीं? तो आप बजट बनाते रहो। बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए, एक विद्वान आए अर्थशास्त्र के, कहां से? वो हर बार वाले हमको कहा गए हर बार, हमने कहा इस देश को कर देगा हर बार, तो हर बार वाला हर बार करेगा। हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिए अरुण जेटली के जैसे। और ये कहां गए बोलिए? अगर ये चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के जितने कृषि अर्थ ग्रामीण अर्थशास्त्री हुए, जैसी कुमारप्पा से लेकर चौधरी चरण सिंह तक, सबने एक ही बात कहा, खेती पर से जो जो भार घटेगा त्यों तो गांव की उन्नति होगी, किसान खुशहाल होगा। खेती पर से भार को कम करो, आपने कम किया, लेकिन हमको बनाया क्या? ऑफिसर बनाते, नौकरी देते, उद्योग लगाते, हाथ में काम देते, साइकिल देते, मोटरसाइकिल पर चढ़वाते, तब न समझते? हम किसान थे, हमको मजदूर बना दिया, झुग्गी झोपड़ी में डाल दिया, गंदी जिंदगी, कीड़े की जिंदगी जीने के लिए हमको रख दिया। जो गांव में बसने वाले थे वो 82.7 थे, और घट के हो गए 68.08, 14% गांव के लोग गायब हो गए। कहां गायब हो गए? गायब होके कहां गए? आपके यहां दिल्ली में, दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के नीचे जन्मते हैं, बलते हैं, बढ़ते हैं, पेड़ के नीचे शादी करते हैं, होनीमून बनाते हैं, वहीं फिर बच्चा पैदा करते हैं, फिर पेड़ के नीचे ही अपना परिवार बसाते हैं। हमारे बच्चे को लाया, हाथ में रिक्शा थमाया, ठेला थमाया, फुटपाथ पर काम करवाया, गरीबी से मजदूर किया, कुत्ते के जैसे जिंदगी जीने के हमारे हमको मजबूर कर दिया। और ऊपर से आप बताते हैं कि हम अब तुम्हारे लिए क्या दे दिया? फूड सिक्योरिटी दे दिया, फूड सिक्योरिटी। दाना उपजावे, धान उपजावे, हम गेहूं उपजावे, हम अनाज उपजावे, हम मेहनत करें, हम हमको बस समझते हैं आप भिखमंगा। फूड सिक्योरिटी, हर आदमी पर 1 किलो चावल और 3 किलो गेहूं देंगे। आप बड़े 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 बजट वाले अर्थशास्त्री वाले हैं, महीना में 1 किलो चावल खा के रहो, 1 आदमी 3 किलो गेहूं खा के रहो, ये गरीबी का उपहास है, हमारी निर्धनता और गरीबी का उपहास है। आओ आओ, 1 किलो चावल देते हैं, 1 महीना में खाओ, महीना में 26 रुपया, जिसकी रोज की आमदनी आप कहते हो गरीबी रेखा के नीचे है, और चावल गेहूं बांटेंगे 70% को। क्या आंकड़ा है आपका? यही बजट बनाते थे ना, मैं उसी को कहता हूं, यही आपका आंकड़ा, गरीबी चावल गेहूं खाए 70-80%, हमको कहो गरीबी की रेखा के नीचे है 26%।
कबीरा बांचे आखिन लेखा, पंडित बांचे पोथिन लेखा। हम तो आंख से जो देखते हैं वो बोल रहे हैं, आपने क्या किया? हम कम किए, कहते हैं किसान 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 विरोधी है। हिंदुस्तान में 90-91 में 185.2 मिलियन हेक्टेयर खेती की जमीन थी, और आपके राज में 2011-12 में 182 मिलियन हेक्टेयर हो गई। ये जमीन कहाँ गई? हम खा गए? हमारे गांव के लोग खा गए? कौन खा गए? जो खाए हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपने आप हमारी जमीन खा गए। और दूसरे तरफ जो गैर कृषि योग्य भूमि थी 90-91 में 21.22 मिलियन हेक्टेयर, 11-12 में हो गए 26.29 हेक्टेयर। गैर कृषि योग्य भूमि बढ़ी है, कृषि योग्य भूमि का ह्रास हुआ। उल्टे बात कहीं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ना कुछ मिले तो कुछ कहिए, ना कुछ मिले तो विरोधी में गए तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना, नहीं तो दुनिया कैसे देखेगी कि विरोधी का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर विरोधी का काम भी करना है तो आप अपने नेताओं को कहिए कि कुछ दिन हमारे पास आए, 6 महीना ट्रेनिंग दे देंगे कि हम विरोधी थे तो क्या करते थे। अरे नाटक भी करिए तो किसी डायरेक्टर से सीख तो लीजिए, जो गरीबी का डायरेक्टर है उससे सीखे नहीं, अगर गरीबी का नाटक खेल रहे हैं। ये गांव में नाटक में हनुमान जी का पाठ करने वाला नहीं आया, उसने सोचा कि आज तो नाटक नहीं होगा। एक बहुत मोटा तगड़ा दुकानदार था, उनको पकड़ लाया, कहा तू नाटक कर, केवल खड़ा रहना। और जब खड़ा होकर पाठ करने लगा तो रावण ने डांट के कहा कि कहां गलाओ, तेल घिलाओ, इसके पूछ में आग लगाओ। उसको हुआ कि अब तो जल के मरेंगे, तो कहा हजूर हम तो हनुमान जी नहीं है, हम तो बनिया है, अपनी दुकान चला रहे थे। वैसे ही आप नाटक करिएगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसको देखे दृष्टि दिशा, जब तक आपके पास में दृष्टि नहीं बनेगी, आपकी दिशा नहीं ठीक थी, आपकी दृष्टि नहीं ठीक थी, तो आप संकल्प क्या कर रहे थे? चलता है सब, आप कहे कि हम भी चले, आपका बजट चला, आपकी अर्थनीति चली, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, प्रशासनिक विषमता। क्या मैं पूछता हूं कि आपके किसी बजट से इन विषमताओं को अंत करने के लिए कोई काम किया? नहीं किया। इसलिए हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान में जब तक जाति प्रथा है और जब तक इस जाति प्रथा का रोग रहेगा तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। भ्रष्टाचार के पीछे भी जाति प्रथा है। कोई माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, हिंदुस्तान के अंदर किसी को अगर चाहेंगे कुछ कर दे, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या है जो कर देंगे? जिस जात का सरकारी नौकर होता है, मैं भी इतने दिन तक 54 वर्ष रह के देखा, मंत्री रह के देखा, जिस जात का सरकारी नौकर, उसके ऊपर कलम उठाइए तो उसके जात का न जाने कहां से कहां सभी जगह से लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। जात पर हमला, अगर किसी बेईमान पर हमला है तो जात पर हमला, किसी भ्रष्टाचारी पर हमला है तो माना जाता है जात पर हमला है। इस जात को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, कि कुछ योजनाएं ऐसी आई हैं, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगा। हमको कहते हैं कि आरक्षण की बात, मैं कहता हूं शुरू दिन से सदन सहमत हो और आप भी सहमत हो तो प्रधानमंत्री जी से कहूं कि तुरंत लागू करिए, लेकिन इसमें सहमति का सवाल है, राष्ट्रीय सहमति, सदन की सहमति, आपकी सहमति। सब आरक्षण मेरा खत्म कर दीजिए, लेकिन एक कर दीजिए, सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा, इन दोनों के लिए अंतर जातीय विवाह को अनिवार्य करिए। न रहेगी जाति, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जातियां टूटेगी। अंतर जातीयता के कारण हिंदुस्तान में एक जाति बनेगी, वह जाति बनेगी भारतीय, वह जाति बनेगी मानव जाति। इन जातियों के रेखा को टूट तोड़िए, इसके लिए अगर कर सकते हैं तो आप सहमत है तो बोलिए। आप कहते हैं गरीब और अमीर मिटा देंगे, yes. लेकिन न्यूनतम और अधिकतम की रेखा तय कर दे, ये सरकार करना चाहे नरेंद्र मोदी जी चुटकी में कर देंगे, क्योंकि इनका क्या बिगड़ेगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू गांव का किसान, गरीब मजदूर, पिछड़ा, दलित, तू क्या जन्म लेके करने आया है? तुझसे मैं सौभाग्यशाली हूं, देख मैं ठंड